आज हम ADF MSc Accounting and Finance जो BBPS यूनिवर्सिटी में हो रहा है इसके अंदर कुछ चेंजिंग आई है, इसके ऊपर हम प्रॉपर जो है बात करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माय नेम इज़ मोहम्मद शुरा ज़फ़र, वेलकम टू NS कंसल्टेंट। आज हम ADF MSc Accounting and Finance जो BBPS यूनिवर्सिटी में हो रहा है इसके अंदर कुछ चेंजिंग आई है, इसके ऊपर हम प्रॉपर जो है बात करेंगे। किन स्टूडेंट्स को अब जो है जो नेक्स्ट इंटेक जो आ रहा है जैन मार्च का और फर्दर जो सितंबर में, कौन कौन से स्टूडेंट एडजस्ट हो सकते हैं। BBPS यूनिवर्सिटी ने काफ़ी देर से इसमें चेंजिंग की हैं और आस्ता आस्ता इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चेंज किया है। इस दफ़ा इन्होंने ज़्यादा जो है फोकस किया है इसके ऊपर, मैं रीज़न भी बताऊंगा इन्होंने ये क्यों ये चेंज कर रहे हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कौन सा स्टूडेंट अब एलिजिबल है। अब जितने भी स्टूडेंट जो हैं टू ईयर बैचलर्स वाले, वो इस कोर्स को जो है एलिजिबल नहीं हो सकते। इसमें उन्होंने कंडीशन लगाई है कि जितने भी ACCA के जो हैं स्टूडेंट्स, जिनके जो पेपर जो फंडामेंटल पेपर हैं जो पहले 9, उनमें से जो अगर जो है कुछ पेपर क्लियर नहीं हो रहे वो उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। अगर सिंपल जिसका टू ईयर का बैचलर्स, चाहे उसने BS किया है या BA किया है या ADP किया है, वो उसी वक्त ही ACCA में ADF MSc Accounting and Finance में एडमिशन ले सकता है जिसकी ऑलरेडी 3 पेपर मिनिमम से मिनिमम 3 पेपर एग्जेम्प्ट हैं। लाइक अगर BA में एडमिशन लिया है और उसके पास रजिस्ट्रेशन है, उसकी बेस पे ये एलिजिबल नहीं होंगे। इनको पहले 3 पेपर F1, F2 और F3 ये पेपर पास होंगे तो देन ये ADF MSc Accounting and Finance में आपका ये जो नेक्स्ट इनटेक में आपका एडमिशन होगा। जिन बच्चों के 2 ईयर का बैचलर्स सिंपल जो है पास है और उनके पास ACCA की रजिस्ट्रेशन है, वो इसमें अकोमोडेट नहीं होंगे। सेकंड, इसमें वही एक सेम पॉइंट है, सम टाइम आपके पास 6 पेपर एग्जेम्प्ट होते हैं और 7, 8, 9 में से एक आध पेपर रहता होता है, उनका वो सेम वही रूल चल रहा है कि आपको 7, 8, 9 तीनों पेपर आपको स्टडी करने पड़ने हैं, चाहे आपका इसमें से 1-2 पेपर पास भी हैं। लाइक आपके फर्स्ट 9 पेपर में से आपके जस्ट 2 पेपर रहते हैं 8, 9 या सिंपल 1 पेपर रहता है, तो आपको एक प्रॉपर 3 पेपर जो है लेने पड़ने हैं ADF में और देन आप MSc Accounting and Finance में एडजस्ट हो सकते हैं। ये सेम ही रूल है, ये चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यूनिवर्सिटी इस कोर्स को कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्यों चेंज कर रही है। इसका सिर्फ प्रॉब्लम ये हुआ कि जितने भी आपके जितने भी स्टूडेंट्स जो पिछली दफ़ा गए हैं, उनको ये कोर्स सही तरीके से उन्होंने टैकल नहीं किया, वो फेल हो गए, कम लोगों ने ये कोर्स पास किया है। इसका ऑलरेडी मैंने प्रीवियस स्टडी में भी इस डिटेल के साथ बताया कि ये जो कोर्स हम जो लेने जा रहे हैं ये ACCA के साथ लाइन है, अटैच है, ज़्यादा कोर्स पेपर वर्क ACCA के साथ अटैच होता है, जो है लिंक है, तो इसमें आपको ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, इसमें सेल्फ स्टडी भी होती है। और दूसरा ये कि ये असाइनमेंट बेस्ड जो है कोर्स नहीं है, ये पेपर बेस्ड भी होता है, इसमें आपने लेक्चर्स भी लेने होते हैं, ये एग्ज़ाम बेस्ड पेपर है, ये एग्ज़ाम पास करेंगे तो आप आगे जाएंगे। तो जितने भी लोग थे, जितने भी गए हैं, वो उनका वो लेवल नहीं था जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके। ज़ाहरी बात दूसरा इम्पैक्ट भी पड़ा है कि उन्होंने वर्किंग पे ज़्यादा फोकस किया, उन्होंने अर्निंग ज़्यादा किया, कोर्स को इतना नहीं लिया, तो जिसकी वजह से वो पेपर में रह गए, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज किया है। मेरी तरफ से यही एडवाइस है, जो कोर्स इस जो ले रहे हैं वो सिर्फ वो स्टूडेंट ही इस कोर्स को टैकल कर सकते हैं जो जिन्होंने सेल्फ स्टडी करनी है और जिनका पीछे इनके साथ बैकग्राउंड है, मतलब ACCA की स्टडी होगी, तो ये कोर्स को फिर भी इनको पढ़ना है और अर्निंग कम करनी पड़नी है, मतलब टाइम आपको ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे और क्लासेस लेनी पड़नी है, इसको ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी करेंगे तो ये कोर्स आगे पास होगा। एंड पे मैं आपको ये एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी डिपॉजिट किया हुआ है या पीछे से जो कोर्स डेफर हुआ है
जो बच्चे जहरी बात है जो पीछे डैफ में उनका जो है एडमिशन हुआ हुआ था वो आगे डैफर हो गए थे, उनके लिए हाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ फिर वो अपना कोर्स चेंज कर लें, बीएससी का बैचलर्स का कोर्स ले सकते हैं, या फिर अगर यही कोर्स लेना चाह रहे हैं तो उनको तीन पेपर जो ACCA के हैं वो पास करने पड़ने हैं, फिर वो अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ होगा जो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, डिपेंडेंट वीज़े के साथ जा रहे थे, क्योंकि ये एक इनका रूल है कि आपको मास्टर्स प्लान लेना पड़ता है अगर आपने फैमिली को साथ ले जाना है। तो अगर जिनकी फैमिली नहीं है तो उनका तो एक हल है वो सिंपल वह बैचलर्स का कोर्स ले लें, अगर फैमिली है तो आपको भाई क्या करना पड़ना है, सिंपल तीन पेपर पास करने पड़ने हैं, फिर उसकी बेस पे आप अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, और मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और दोबारा फिर मैं कोई एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।